दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में प्रीपोजिशन चैप्टर क्लियर कर लिया था। आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। हमने उसमें इम्पोर्टेंट नोट्स बताए थे। तो आज हम नाउन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा संज्ञा, तो इंग्लिश में संज्ञा को हम नाउन कहते हैं। वही बात है, संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम था। नाउन में भी वही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप हो, उसका नाम, वस्तु, कोई वस्तु है, स्थान कोई जगह है, गुण कोई गुण किसी का गुण है, कार्य या अवस्था को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो नेम ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति के नाम, जगह और वस्तु से पहले लगता है। अब नाउन के आपने पांच प्रकार पढ़े होंगे। नाउन पांच प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा, अभी आप ये याद रख लीजिए। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। ये पांच प्रकार की संज्ञाएं हैं इंग्लिश में नाउन है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन से। हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से होता है। यानी किसी का नाम दिया गया है, कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि ये फिक्स है उसका नाम, तो तब हम प्रॉपर नाउन कहते हैं उसे। जैसे राम, राम एक नाम है। दिल्ली, दिल्ली एक जगह का नाम है। गीता, ये एक लड़के का नाम हो सकता है या एक किताब भी है। राम इज माय फ्रेंड, अब ये राम है, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये फिक्स नाम दिया गया है। आई लिव इन दिल्ली, अब ये दिल्ली फिक्स नाम है तो ये प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? प्रॉपर नाउन यानी जो जगह का नाम दिया गया है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। अभी थोड़ा और एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, तो अब कॉमन नाउन पढ़ते हैं। कॉमन नाउन में है, कॉमन नाउन है जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है, किसी के वर्ग यानी किसी एक जाति से पूरी जाति का बोध हो। जैसे किंग है, राजा, अब ये पूरी जाति का बोध हो रहा है। बॉय, लड़का, सारे लड़कों की बात हो रही है। गर्ल, सारी लड़कियों की बात हो रही है। शहर, सारे शहरों की बात हो रही है। यानी इससे सभी जाति का बोध हो रहा है, तब हम वहाँ पर कॉमन नाउन यूज करेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू द बॉय, द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था कि इसमें प्रॉपर नाम दिया होगा, राम, दिल्ली, गीता, लेकिन इसमें नाम नहीं दिया होगा, इसमें उस जगह उसका बताया हो गया होगा। जैसे लड़का है, इसमें नाम नहीं दिया गया उस लड़के का क्या नाम है, बस वो लड़का है। टाउन, अब उस टाउन का नाम नहीं दिया गया। नीचे है द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, अब ना विलेज का नाम है ना बॉयज़ का नाम है, तो एक कॉमन नाउन दर्शा रहा है। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी जिस नाउन से समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कोई ऐसा नाउन जिससे पूरे समूह का बोध हो। जैसे टीम, टीम एक गेम में हो सकती है, कमेटी, आर्मी एटसेट्रा, ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनसे पहले इनको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ये तो पढ़ लिया कि जब पूरी जाति का बोध हो तब हम कलेक्टिव नाउन कहा जाता है उसे। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, लेकिन प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए या प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा गया हो। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था कि जब पूरी जाति का बोध हो रहा है तब वो सिंगुलर होगा, लेकिन जब अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है तब हम वहाँ पर प्लूरल का यूज करेंगे। जैसे द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड of its time in pasture, the jury is deciding the matter, अब ये जूरी पूरे
कमेटी की बात हो रही है, मतलब कलेक्टिव नाउन पूरे की बात हो रही है, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। द कमेटी मीट्स एवरी वीक, अब ये सिंगुलर वर्ब है, क्यों? क्योंकि कमेटी की हर एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया, पूरी कमेटी के बारे में बताया गया है। समझ में आ गए ये तीन नाउन? तो आगे दो नाउन और बचे हैं, वो पढ़ते हैं, फिर एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। आगे है द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप, अब ये डिवाइड हो गई, मतलब इसमें मतभेद आ गया, तब हम प्लूरल वर्ब यानी आर का यूज करेंगे। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, अब ऑडियंस है, ये है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये अलग अलग सीट ले रहे हैं, इसमें मतभेद दर्शाया गया है, तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये पीपी है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। आगे है मटेरियल नाउन, जिस नाउन संज्ञा से पदार्थ का बोध हो, जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे पदार्थ बने उसे पदार्थवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, वुड लकड़ी एट्सेट्रा। मतलब इसमें कोई मटेरियल दिया होगा, पदार्थ दिया होगा, जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, अब ये गोल्ड मटेरियल नाउन है। शी हैज़ परचेज्ड ए टी सेट ऑफ सिल्वर, अब सिल्वर एक मटेरियल नाउन है। ही गोट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, अब वुड एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती। अब आप गोल्ड की गिनती थोड़ी कर सकते हैं, लकड़ी की गिनती थोड़ी कर सकते हैं, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। अब आप गोल्ड को तोल तो सकते हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 1 किलो, ऐसे। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी ये अब मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ये मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था, अब फिर से ध्यान रख लीजिएगा कि मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ना ही ए का, एन का और दी का। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, मटेरियल नाउन यानी जिसमें किसी मटेरियल के बारे में बताया गया हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लीजिए आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यानी ऐसे भाव, क्रिया या अवस्था जिन्हें ना ही छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, लेकिन हम इनको महसूस कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, हेट्रेड, लाफ्टर, पुअर्टी, यूथ, इन्हें हम देख थोड़ी सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। ये है ऑनेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको हम गिन नहीं सकते, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अब अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यही बताया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। पीपल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब ये ऑनेस्टी के बाद इज लगा, क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं। समझ में आ गया नाउन को? अब हमने पांच टाइप तो पढ़ लिए, लेकिन अब एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको नाउन के दो ही टाइप मिलेंगे। दो कौन कौन से? एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। नाउन को काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। जैसे काउंटेबल नाउन वह होता है जिसकी गणना की जा सके, काउंटेबल यानी जिसको गिना जा सके, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे वी बोट सिक्स टेबल्स। आगे है इफ आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स सी सा मैनी मूवीज लास्ट मंथ, यानी हम नाउन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल तो वो जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो जिनको हम गिन नहीं सकते, वो भी देखते हैं। ये हैं नॉन काउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन, वह नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे जे प्रीस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को हम गिन थोड़ी सकते हैं, तो इन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, अब फर्नीचर को हम गिन नहीं सकते। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो, अब मनी है इसको हम गिन नहीं सकते, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन कहते हैं। नीचे है एग्जाम्पल,
काउंटेबल नाउन के एग्जांपल हैं इस बॉक्स में दे रखे हैं और अनकाउंटेबल नाउन के हैं। तो काउंटेबल नाउन के हैं स्टार्स, सेकंड्स, रुपीज एटसेट्रा। वर्ब हैं सिंगुलर विद, प्लूरल विद, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, नाउन। इसे देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहा गया है जैसे कोई काउंटेबल नाउन है तो अगर उसके बाद वर्ब कैसे लगाएं, सिंगुलर विद सिंगुलर नाउन और प्लूरल विद प्लूरल नाउन, यानी अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। अब अनकाउंटेबल नाउन है ये, मनी, टाइम, नॉलेज, तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब ही का ही यूज होगा। एडजेक्टिव है, इनके पहले एडजेक्टिव का यूज होगा, मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, दी नंबर ऑफ, ठीक है। और ये है मच, लिटिल, क्वांटिटी, यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच, लिटिल या क्वांटिटी का यूज करेंगे। आर्टिकल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए एन दी कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम दी का ही यूज करेंगे। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। आगे है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको याद रखना, इनको पढ़ लिया ना तो आप नाउन में कभी गलती नहीं करोगे, जिंदगी भर गलती नहीं होगी अगर ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो। रूल वन पढ़ते हैं, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। इन नाउन के अंत में एस लगे एस को हटा दें, इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ये दिखने में प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। ऐसे नाउन निम्न है, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो देखी हो तो उसमें भी था ये रूल, तो आपको ये रूल याद आ रहा होगा। कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं और वे प्लूरल होते भी हैं, अगर उनका एस हटा देना तो वो सिंगुलर नहीं बन सकते। जैसे सीजर्स है, ये यहाँ पे सीजर्स लिख रखा है स्टार्टिंग में, इससे पहले हम एस हटा दें एस, तो ये सिंगुलर नहीं बनेगा, ये सीजर्स ही रहेगा परमानेंट। ये टोंग्स है, चिमटा, पिलर्स, पिंसर्स, बिलोज, बिलोज मतलब फूकनी, ट्राउजर्स, पैंट, पजामा, चोट, गैलोव्स, फैंग्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल, बाइनोकुलर्स, आई ग्लास, एल्म्स यानी दान या भीख, एमेंट्स संशोधन, आर्चिव्स ऐतिहासिक दस्तावेज, एरियस अस्पीशियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब राख, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन्स, सेविंग, शैम्बलिज, सराउंडिंग, स्टाइडिंग, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल, वेजेस, बिलोंगिंग्स एटसेट्रा। यानी इनसे पहले हम एस हटा दें तो ये सिंगुलर नहीं बन सकते, ये एस परमानेंट जुड़ा हुआ है और ये एस इनके साथ ही रहेगा, और जो वर्ब होगी वो इनके साथ प्लूरल लगेगी। जैसे वेयर आर माई पैंट्स, अब पैंट एस नहीं हटा सकते हम, ये परमानेंट है तो आर का यूज होगा, ये दिखने में प्लूरल है तो यहाँ पर आर का यूज होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते वेयर इज माई पैंट। अगला है वेयर आर द टोंग्स, ये भी ऊपर वाले की तरह है। द प्रोसीड्स आर डिपोजिटेड इन द बैंक, ऑल हिज असेट्स वर साइज्ड, एल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग। समझ में आ गया, इन ये दिखने में प्लूरल है और इनके बाद वर्ब भी प्लूरल लगती है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे रूल है वेजेज का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। वेजेज का मतलब अभी बताता हूँ, का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखें, वेजेज, वेजेज का अर्थ होता है मजदूरी या परिणाम। वेजेज का दो, वेजेज के दो अर्थ होते हैं, एक तो मजदूरी है और एक परिणाम है। मजदूरी है ये प्लूरल है और ये परिणाम है ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, वेजेस आर पेड इन कैश, यानी अब वेजेस ये किस वेजेस की बात हो रही है, यहाँ पे मजदूरी की बात हो रही है कि मजदूरी नगद में दी जाएगी, कैश में दी जाएगी। लेकिन अगर परिणाम की बात की जा रही हो, वेजेस ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट, यानी कठिन परिश्रम का परिणाम मीठा होता है, तो यहाँ पे परिणाम की बात हो रही है, यानी यहाँ पर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे वेजेज मजदूरी है तो यहाँ पर आर का यूज होगा। वेजेज के भी आपको याद हो गए होंगे, अगर मजदूरी है तो प्लूरल, परिणाम है तो सिंगुलर। ये तो हमने रूल पढ़ लिया। रूल टू है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं।
कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। अब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मीजल्स, रिकेटस, सिंगल्स। ये मम्प्स, मीजल्स और रिकेटस और ये सिंगल्स, ये सब बीमारियों के नाम हैं। बिलियार्ड्स और एथलेटिक्स, ये गेम के नाम हैं। और मैंने आपको सिविक्स, जो जिसकी किसी भी सब्जेक्ट के बाद अगर एस लग रहा है तो वो सिंगुलर होगा, जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, सिविक्स है, सिविक्स इज़ ए गुड सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंस्ट्रक्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड होनेस्टी। अभी हमें दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये अर्थ में सिंगुलर हैं, तो इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये वैसे ही रूल आ रहे हैं जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े थे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद नहीं है तो आप एक बार वो वीडियो दोबारा ज़रूर देखिए ताकि आपको कभी डाउट नहीं होगा। रूल 3 है, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं, जैसे कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पुलिस और पीपल, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। पुलिस सिंगुलर है क्या प्लूरल, और पीपल सिंगुलर है। पीपल को हम पीपल्स नहीं कर सकते, अगर पीपल्स कर देंगे तो हो जाएगा विभिन्न मूलवंश के लोग, यानी विभिन्न देशों के लोग। तो ये पीपल हमेशा सिंगुलर, ये सिंगुलर और प्लूरल ऐसे ही रहेगा, या सिंगुलर लगते हैं लेकिन इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे देखिए आप, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अभी कैटल के बाद आर का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि ये दिखने में तो सिंगुलर लग रही है लेकिन ये प्लूरल है, ये रूल 3 को फॉलो कर रही है। आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, अब इन्फेंट्री है, ये दिखने में सिंगुलर लग रही है लेकिन ये प्लूरल है, तो इसके बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, अब पुलिस के बाद हैव का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि ये दिखने में सिंगुलर है लेकिन अर्थ में प्लूरल है। पीपल, ये मैंने आपको ये बात बता दी है, पीपल का अर्थ है लोग, पीपल्स का अर्थ है विभिन्न मूलवंश, डिफरेंट रेसेस के लोग, ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है यहाँ पे। रूल 4 देखते हैं हम, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ एन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, यानी ये सिंगुलर फॉर्म है नाउन की और ये अनकाउंटेबल है, और इनके साथ हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे, होगा तो सिर्फ दी का ही होगा या नहीं होगा। तो इन वर्ड्स को देख लेते हैं हम, जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रोकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, और वर्क्स का अर्थ है साहित्य, लेख, यानी अगर आपको वर्क के बाद एस लगा मिल जाए तो वहाँ पर उसका अर्थ होगा साहित्य, लेख। और है एविडेंस, वर्ड, जब वर्ड का अर्थ वाद, संदेश या परिचर्चा हो, लेकिन वर्ड जब ही अनकाउंटेबल होगा जब उसका अर्थ वाद, संदेश या परिचर्चा हो। फ्यूल एवं कोस्ट, यानी ये वर्ड हैं जो सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है जिनका यूज हम, लेकिन और ये अनकाउंटेबल हैं तो इनके साथ एन का प्रयोग भी नहीं होता। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, द सीनरी, अब ये सीनरी है, अब इसको हम सीनरीज नहीं कर सकते, ये सीनरी ही रहेगा, और इज यूज हुआ क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और सिंगुलर फॉर्म में है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, द मिस्चीफ कमिटेड बाई हिम इज अनपार्डनेबल, हिज हेयर इज ब्लैक, हेयर के बाद इज का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, ये अनकाउंटेबल है। I have bought some equipment that I needed for the project. अब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक क्वेश्चन भी दिया था, इक्विपमेंट के बाद एस लगाकर,
तो आपने वहाँ एरर बता दिया था, इक्विपमेंट के बाद एस नहीं लगेगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। लेकिन अगर इनके बाद हम कुछ वर्ड का यूज कर दें, कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं इनके लिए, अगर हम उनका यूज कर दें तो इनको सिंगुलर या प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे अब नीचे है, इन नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, शेयर्स, ये हम नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है। यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में हो, आवश्यक हो, तो कुछ शब्द जोड़े जा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम कुछ शब्द जोड़ सकते हैं। अब नीचे दिए गए उदाहरण देखें, इनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी इंफॉर्मेशन सिंगुलर यूज होता है, अब इससे पहले हमने ए पीस ऑफ लगा दिया। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलेबल। अब हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन तो क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो वर आ गया, तो इससे पहले कुछ वर्ड भी जोड़े गए हैं, ऑल पीसेज ऑफ, इसलिए यहाँ पर वर का यूज हुआ। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप। अब हम मैनी काइंड्स को हटा दीजिए, मान लीजिए फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, ये गलत हो जाएगा। फर्नीचर्स आर अवेलेबल इन दैट शॉप, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम कुछ वर्ड लगाकर इनको प्लूरल कर सकते हैं, जैसे मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। आई वॉन्ट ए फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, ही एट टू स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। ब्रेड, प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। समझ में आ गया, अब पुलिस के बाद हैव का यूज हुआ, क्यों, क्योंकि ये दिखने में तो सिंगुलर है लेकिन अर्थ में प्लूरल है। नोट, ये नोट देखिए, ये जो नोट आते हैं बीच बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत काम आते हैं एग्जाम में, ये नोट आपको याद रखने हैं। मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, हमने ऊपर तो पढ़ा कि मनी प्लूरल सिंगुलर है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन नोट दिया गया है कि हम इसका मनीज कर सकते हैं, लेकिन अर्थ निकलता है सम ऑफ मनीज, यानी सभी मनी का, जो जैसे मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, यानी जो सम ऑफ मनीज थी, जितने भी पैसे थे उनका जोड़, तब हम मनीज का यूज करेंगे। आ गया समझ में। रूल 5 पढ़ते हैं, जब नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही फॉर्म में रहते हैं, जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। अब ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इनके बाद जो वर्ब होगी वो इनके हिसाब से होगी। अगर ये पूरी जाति का बोध करा रहे, आपने कलेक्टिव नाउन का रूल पढ़ा होगा, पूरी जाति का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर मतभेद हो जाए तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नीचे एग्जांपल से देखिए, आवर टीम इज़ द बेस्ट। अब इसमें मतभेद तो नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब पूरी टीम एक ही शर्ट थोड़ी पहनेगी, मतलब मतभेद का वो हुआ है, मतभेद का बोध हो जाए तब हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देर आर टू फिश इन द पोंड। अब ये दो फिश हैं, मतलब दो मछलियाँ हैं, तब हम ये इनका प्लूरल का यूज करेंगे। देर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। अब ये मैनी फिशेज यानी प्लूरल हो गया, तब इससे पहले हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और ये ब्रैकेट में लिख रखा है, फिशेज का अर्थ निकलता है विभिन्न प्रजातियों के फिश, यानी बहुत सारी जातियों की फिश है वहाँ पर। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। रूल 6, हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल में नहीं होता है। अब ये हाइफनेटेड नाउन क्या होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हाइफनेटेड नाउन ये होता है 100 रुपीज़, ये जो एक ऐसे साइन से जुड़े होते हैं, ये वाला साइन है, जब दो नाउन ऐसे साइन से जुड़े हों, ये वाला ऐसे साइन से जुड़े हों, तब उन नाउन को हम हाइफनेटेड नाउन कहते हैं, और ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे ही गिव मी 200 रुपीज़ नोट। अब ये 200 रुपीज़, ये ऐसे हटा दीजिए, क्योंकि रुपीज़ को हम, ये रुपीज़ प्लूरल है, हम प्लूरल यूज़ नहीं करते हैं हाइफनेटेड नाउन में, यानी यहाँ पर सिंगुलर होगा, रुपी आएगा। ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। अभी 5 स्टार्स है, ये गलत है,
यहाँ पे फाइव स्टार्स को स्टार में परिवर्तित करें, यानी ही स्टेज इन फाइव स्टार होटल। तो हाइफनेटेड नाउन भी क्लियर हो गया और ये रूल भी क्लियर हो गया कि हाइफनेटेड नाउन से पहले हम प्लूरल फॉर्म में नहीं करते हैं वर्ब, या हाइफनेटेड नाउन ही प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। आगे समझ में, रूल सेवन है, कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। हम बोलचाल की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन वो गलत होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर, ये गलत है। कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर कहना गलत है क्योंकि इसका जो सही होता होगा वो होगा सिर्फ कज़न। हम गलत प्रयोग करते हैं, कज़न ब्रदर, ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ही इज़ माई कज़न सिस्टर, सी इज़ माई कज़न सिस्टर, तो ये गलत है। हम सिर्फ ये कहेंगे ही इज़ माई कज़न और सी इज़ माई कज़न, ये ब्रदर सिस्टर नहीं लगेगा यहाँ पे, इनको ये हट जाएंगे। आगे समझ में, अब पिक पॉकेटर यानी वो जेब कतराता है ना, उसको हम इंग्लिश में पिक पॉकेटर नहीं कहते हैं। हम कहते तो हैं लेकिन हम गलत कहते हैं, उसको हम कहते हैं पिक पॉकेट इंग्लिश के हिसाब से। सही इंग्लिश में हम उसको पिक पॉकेट कहते हैं। अब गुड नेम, गुड नेम कहते हैं, ये हम गलत करते हैं कहते हैं। यहाँ पर सही होगा नेम, सिर्फ नेम कहेंगे तो सही होगा। बिग या स्मॉल ब्लंडर, छोटी या बड़ी गलती, ब्लंडर मतलब कोई गलती, यहाँ पे लिख रखा है ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी भूल, अतः बिग का प्रयोग गलत है। यहाँ पर हम सिर्फ ब्लंडर का यूज करेंगे क्योंकि ब्लंडर का अर्थ ही होता है बड़ी भूल, तो हम बिग और क्यों लगाएं। मान लीजिए हमने लगा दिया गलती से बिग ब्लंडर, तो हिंदी बनी है इसकी बिग ब्लंडर, ये थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं है। आप ऐसे बनाइए, बिग मतलब बड़ा, ब्लंडर मानी बड़ी भूल, बड़ी बड़ी भूल मतलब ये डबल बार बड़ी हो गया तो ये गलत हो जाएगा, तो हम सिर्फ ब्लंडर कहेंगे, इससे पहले ना बिग लगेगा ना स्मॉल लगेगा। यह है स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है हवा का झोंका, तो स्ट्रॉन्ग ब्रिज ये गलत है, ये स्ट्रॉन्ग विंड आएगा क्योंकि ब्रिज हमेशा लाइट एवं जेंटल होता है। ब्रिज होता है ये बहुत हल्का, हल्की सी हवा होती है, तो इससे पहले हम स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते क्योंकि हवा ही हल्की है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग कहाँ से करेंगे, तो हम स्ट्रॉन्ग विंड कहेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रिज कहना गलत होगा। अब आप इनको याद रखना है, ये स्पॉटिंग द एरर में क्वेश्चन आ सकता है। आज हम इस नाउन को कंप्लीट कर देंगे, फिर इसके बाद हम क्लास बनाएंगे नाउन एक्सरसाइज की, उसमें आपको ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सोल्व कर लेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी। आगे है सिक्स्थ है बैड ड्रीम। अब हम बैड ड्रीम कहते हैं, जैसे मुझे रात में बुरा सपना आया, आई हैव ए बैड ड्रीम इन लास्ट नाइट, तो बैड ड्रीम गलत है। यहाँ पर नाइटमेयर सही है, नाइटमेयर यानी बुरा सपना, बैड ड्रीम यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये छह वर्ड थे। निम्नलिखित नाउन में भी हमें कन्फ्यूज़न रहता है। अब ये तो थे जिनका प्रयोग हम गलत करते हैं, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, पिक पॉकेटर, गुड नेम, बिग ब्लंडर, स्मॉल ब्लंडर, स्ट्रॉन्ग ब्रिज और बैड ड्रीम, लेकिन इनमें हम कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे फ्लोर, फ्लोर का अर्थ होता है फर्श, और ग्राउंड, ग्राउंड का अर्थ होता है ज़मीन। फर्श और ज़मीन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, फर्श घर के अंदर होता है और ग्राउंड बाहर होता है। स्किल, स्किल यानी जो हम सीख कर प्राप्त करते हैं, जैसे कोई गाड़ी चलाता है उस, तो उसकी वो स्किल है, उसने वो पैदा हुआ जब से थोड़ी गाड़ी चलाने लगा है, उसने सीखी है कहीं से। और टैलेंट, टैलेंट वो होता है जो जन्म से ही होता है, जैसे गाना गाने का टैलेंट, नाचने का टैलेंट, नाचना भी स्किल में ही आ जाता है, और कुछ भी टैलेंट हो सकता है। थर्ड है एनवी, एनवी होता है ईर्ष्या जो दूसरों की चीज़ को देखकर हो, जब कोई दूसरा कोई महंगी चीज़ खरीद लाता है और किसी को ईर्ष्या हो रही है, तब उसको हम इंग्लिश में कहेंगे एनवी। लेकिन जेलियस जो अपनी चीज़ को खोने से डर हो, ईर्ष्या जो अपनी चीज़ों को खो देने से हो, तो उसको हम जेलियसली कहते हैं, जीलियसली कहते हैं। तो ये इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से भी पक्का क्वेश्चन आएगा। ये कुछ वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। फ्लोर मतलब फर्श, ग्राउंड ज़मीन, स्किल हम सीख कर प्राप्त करते हैं, टैलेंट जो जन्म से ही होता है, एनवी ईर्ष्या जो दूसरों की चीज़ों को देख कर हो, और जेलियसली जो ईर्ष्या जो खुद की चीज़ों को खो देने के डर से हो। ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। रूल एट पढ़ते हैं, कुछ नाउन
जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण या डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो इनको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे पेयर, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, हंड्रेड, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन। अब ये दिखने में प्लूरल है, इनके बाद प्लूरल वर्ब लगती है, अगर जब तक, कब तक, जब इनके बाद इनसे इन्हें कोई पकड़ कर नहीं रखता है, जब इन्हें कोई पकड़ लेता है या इनके पहले जब न्यूमेरियल एडजेक्टिव आ जाता है तब हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू पेयर ऑफ शूज़, अब ये टू पेयर ऑफ है, अब इससे पहले पेयर्स है, इससे पहले टू का यूज हुआ, यानी ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, तो इससे पहले हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। आई हैव 200 rupees ओनली, शी परचेज 3 dozen पेंसिल्स, ही हैज़ ऑलरेडी डोनेट 5,000 rupees। डजन, लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है। जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, स्कोर्स ऑफ शॉप्स और मैनी पेयर्स ऑफ शूज एटसेट्रा। अगर ये इंडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज नहीं कर सकते। जैसे हंड्रेड ऑफ पीपल केम टू सी दी फेयर्स, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, सॉरी, इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है। जैसे मिलियंस ऑफ रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, समझ में आ गया। यानी इनसे पहले इंडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज कर सकते हैं। रूल 9 है, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा, यदि दो नाउन रिपीट हो रहे हैं और उनके बीच में प्रीपोजिशन है तो वो दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, ये टाउन आफ्टर टाउन नहीं होगा। रा अपॉन रो, रो अपॉन रो, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, और इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जब दो नाउन हो एक साथ हो और बीच में प्रीपोजिशन हो तो वो नाउन सिंगुलर होंगे और वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, उनके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं रूल में। इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज, डोर्स टू डोर्स, शिप्स आफ्टर शिप्स, ये लिखना गलत है। मैंने आपको बता दिया इनके साथ एस या एस नहीं लगेगा, ये सिंगुलर में होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। रूल 10 है, कॉमन जेंडर नाउन्स, यानी कॉमन जेंडर नाउन, यानी ऐसे नाउन जो कॉमन जेंडर होते हैं, यानी दोनों में एक ही लिंग होता है। अब वो पुलिंग भी हो सकता है या स्त्रीलिंग भी हो सकता है। जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ये कॉमन जेंडर नाउन है। ऐसे नाउन जिनका प्रयोग मेल फीमेल दोनों के लिए किया जाता है इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है। इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्यतः ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। यानी चाहे कहीं पे भी आ जाओ आपको ही, इनसे पहले ही, इज, हिम का यूज करना है। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, अब हिज का यूज होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये लीडर है, ये कॉमन जेंडर नाउन है। ए टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, अब ये हिज यूज हुआ, क्यों? क्योंकि ये कॉमन जेंडर नाउन है और इसके बाद ही, हिज, हिम का यूज होगा। यहाँ विवाद का विषय है, यह है कि मस्कुलिन जेंडर ही, हिज, यानी जो पुरुष, सॉरी, पुलिंग है का प्रयोग ही क्यों करें। यानी यहाँ पर ये विवाद हो रहा है कि यहाँ पर पुलिंग का यूज करें क्यों करें, क्यों स्त्रीलिंग का क्यों नहीं। तो ये इसमें लिख रखा है, इस संबंध में यदि मैटर, ये साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, ये लिख रखा है, इस संबंध में यदि मैटर हिज और या हर कोई भी हो, जो आवश्यक हो उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। यानी उसे स्पष्ट करना पड़ेगा, और आप हर लगा रहे हो, ही और हिज तो लगा ही सकते हो लेकिन हर लगा रहे हो तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। अब ये वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप कुछ वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये आपको याद तो होने ही चाहिए। यानी ये पूरे ग्रुप का बोध करते हैं, ये ऐसे वर्ड हैं। ये फर्स्ट है, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यानी कोई म्यूजिशियन की वो है, म्यूजिशियन का ग्रुप है तो उन्हें हम बैंड कहेंगे। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स
का ग्रुप हम बोर्ड्स कहते हैं, बीवी ऑफ गर्ल्स, वुमेन ऑफिसर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज। बंच यानी गुच्छा, ये आपने पढ़ा होगा, अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे, एक कारवा ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स यानी यात्री, ट्रैवलर्स भी यात्री, यानी एक कारवा होता है यात्रियों का, मर्चेंट्स व्यापारियों का, ट्रैवलर्स यात्रियों का। ए चेन या रेंज ऑफ माउंटेन हिल्स, अभी रेंज तो आपने पढ़ा होगा, माउंटेन रेंज, तो रेंज ऑफ माउंटेन हिल्स, इन्हें हम चेन भी कह सकते हैं। ए चोर ऑफ सिंगर्स, जब बहुत सारे सिंगर हैं एक ग्रुप में है तो उन्हें हम चोर कहते हैं। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स की तो एक क्लास होती है। ए रिटेन्यू ऑफ सर्वेंट्स अटेंडेंट्स, यानी जो नौकर होते हैं उनके ग्रुप को हम रिटेन्यू कहते हैं। एक क्लंप ग्रोव ऑफ ट्रीज, यानी हम पेड़ों के ग्रुप को क्लंप या ग्रोव कहते हैं, पेड़ों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लंप या ग्रोव। एक कोड ऑफ लॉज, कानून के ग्रुप को हम कहते हैं ला, कोड। एक क्लस्टर कॉन्स्टिलेशन गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यानी तारों के ग्रुप को क्लस्टर कह सकते हैं, कॉन्स्टिलेशन कह सकते हैं, गैलेक्सी कह सकते हैं। एक कंपनी रेजिमेंट आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अब रेजिमेंट तो सोल्जर्स का होता है, कंपनी भी कह सकते हैं, आर्मी भी कह सकते हैं। एक करिकुलम ऑफ स्टडीज, ए फ्लाइट ऑफ स्टेप्स स्टेयर, सीढ़ियों की एक फ्लाइट होती है। ए फ्लीट ऑफ शिप्स और मोटर कार्स, यानी जो जहाज होते हैं और मोटर कार होती हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं फ्लीट। ए फ्लॉक ऑफ गीज शिप्स एंड बर्ड्स, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। ए गैंग ऑफ रोबर्स और लेबरर्स। ए गारलैंड बंच और बोरक्यूट ऑफ फ्लेवर्स, फ्लोवर्स है। ए हीप ऑफ रुइंस सैंड स्टोन्स, मतलब हीप यानी जो मिट्टी का ग्रुप है, जो मिट्टी का समूह का बोध करता है उसे हम हीप कहते हैं, जिसे हम टीला भी बोलते हैं। ए हर्ड ऑफ कैटल, कैटल को हर्ड, कैटल का ग्रुप हर्ड कहलाता है। ए लिटर ऑफ पपीज, ए पैक ऑफ हाउंड्स कार्ड्स, ए पेयर ऑफ शूज सीजर्स कंपास ट्राउजर्स, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, ए शीफ ऑफ कॉन एरोज, ए स्वार्म ऑफ एंट्स बीज और फ्लाइस, ये आपको याद रखने हैं। ए ट्रेन ऑफ कैरिएज फ्लावर्स एटसेट्रा, ए ट्रूप ऑफ हॉर्स स्काउट्स, ए वॉली ऑफ शॉट्स, ए फोरम ऑफ पीपल, ए कंग्रीगेशन ऑफ पीपल, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए कोर्स और सीरियस ऑफ लेक्चर्स, ए क्राउड और मोब ऑफ पीपल। ये 37 है, इसमें आपको कुछ तो याद हो गए होंगे, एक बार आपको फिर से दोहरा लेना है ताकि आपको ये कभी, आप कभी भूलोगे नहीं इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नाउन जेंडर पे बढ़ते हैं। जेंडर को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मस्कुलिन यानी पुलिंग, ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, जो पुरुष के बारे में बताते हैं, उन्हें हम मस्कुलिन जेंडर, जैसे टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर एटसेट्रा। सेकेंड है फीमेल फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, जैसे फेमिनाइन जेंडर टाइग्रेस, वोमेन, लायनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गोडेस एटसेट्रा। कॉमन जेंडर ऐसे उभयलिंग, ऐसे नाउन जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं, जैसे चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजन, इन्फेंट, थीफ, नेबर एटसेट्रा। न्यूट्रल जेंडर है नपुंसकलिंग, ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो न मेल है और न फीमेल है, उन्हें हम न्यूट्रल नाउन, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बोट्स एटसेट्रा। ये आपको याद हो गए होंगे, नाउन जेंडर चार टाइप के होते हैं, मस्कुलिन मेल सेक्स, फेमिनाइन फीमेल सेक्स, कॉमन जो दोनों को बताते हैं और न्यूट्रल जो किसी को नहीं बताते। छोटा सा टॉपिक था, आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग मस्कुलिन नाउन टू फेमिनाइन नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका फेमिनाइन क्या होगा। कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के बाद इस ई डबल एस लगाकर फेमिनाइन नाउन बनाया जा सकता है, यानी कुछ नाउन है जिनके बाद हम ई डबल एस लगा दें तो वो फेमिनाइन हो जाएंगे। वो नाउन है ऑथर यानी लेखक ऑथरेस, होस्ट होस्टेस, ज्यू ज्यूएस, मेयर मेयरेस, पोइट पोइटेस, ट्यूटर ट्यूटरेस, सफर्ड सफर्डेस, जीएंट जीएंटेस, हायर हायरेस, लायन लायनेस, प्रिस्ट प्रिस्टेस, टेलर टेलरेस, एम्परर एम्परेस, गवर्नर गवर्नेस, ड्यूक
डचेस, गोड, गोडेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, सोर्सर, सोर्सरेस। रूल टू है, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के अंतिम में वोवल उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई डबल एस जोड़ने से भी फेमिनाइन बन जाता है, यानी जो उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है ये आर, इस आर नहीं हटाएंगे, ये वोवल आ रहा है ओ, इस ओ को हटा देंगे। एक्टर एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर बेनिफैक्ट्रेस, हंटर हंट्रेस, प्रिंस प्रिंसेस, वेटर वेटरेस, एम्बेसडर एम्बेसडरेस, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस, निग्रो निग्रेस, टाइगर और टाइग्रेस। आगे समझ में, इसमें हम वोवल हटा देंगे कॉन्सोनेंट से पहले। ये है, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ई डबल एस लगाने पर फेमिनाइन बन जाता है। अब इसके एग्जांपल हमने देख लिए थे, दोबारा देख लीजिए। ये हैं एम्परर एम्प्रेस, गवर्नर गवर्नेस, ड्यूक डचेस, गोड गोडेस, मास्टर मिस्ट्रेस, सोर्सर यानी जादूगर सोर्सरेस। रूल फोर पढ़ लेते हैं। कुछ केसेस में कंपाउंड मस्कुलिन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, वाशरमैन वाशरवुमैन, बकरबिट डोयरोबिट। ये आपको याद रखना है, बक का जो फेमिनाइन होता है वो होता है डोए। ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ही बियर शी बियर, बुलकाफ काउकाफ, जैकेश जेनियस, जैक का फेमिनाइन जेनी होता है। हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस, मिल्कमैन मिल्कमेड, पोस्टमास्टर पोस्टमिस्ट्रेस, पीकॉक पीहन, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, स्टेप फादर स्टेप मदर, ही गोट शी गोट, का कॉक स्पैरो हैन स्पैरो, डॉग वॉफ बिच वॉफ, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। आगे समझ में, रूल फाइव देख लेते हैं हम। फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मस्कुलिन एवं फीमेल जेंडर नीचे दिए गए हैं, इनको विशेष नियम के तहत परिवर्तित नहीं करते हैं, यानी ये कैसे भी चेंज हो सकते हैं। ये वर्ड हैं एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटरिक्स, लैड लैड यानी लड़का होता है हिंदी में, लेस नहीं सॉरी फेमिनाइन में लेस। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूटरिक्स, सुल्तान सुल्ताना, बोर सो बोर यानी बोनेला सुअर, ब्रदर सिस्टर, कोल्ट बछड़ा या फिली फेमिनाइन फिली, डॉग बिच बक डोय, अर्ल काउंटेस मोंक नन, ये याद रखना है मोंक यानी साधु, नन यानी फेमिनाइन, जेंडर गूज, हंस का फेमिनाइन गूज, हार्ट रोय, हॉर्स मेयर, किंग क्वीन, मैन वुमेन, मिस्टर मिस, शिप इवी, सन डॉटर अंकल आंट, फिक्स विक्सन, ओक्स काओ, कजैर कजरीना, हीरो हीरोइन, ट्रेस्टर ट्रेस्ट्रिक्स, बैचलर मेड, बॉय गर्ल, कोक हैंड्रेक डक ड्रोन, बी बुल काओ, फादर मदर, ब्राइडग्रूम ब्राइड, जेंटलमैन लेडी, ही शी, हस्बैंड वाइफ, लॉर्ड लेडी, मेल फीमेल, नेफ्यू नीस, सर मैडम या डेम, विडोवर या विडो, विजार्ड विच। समझ में आ गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर आपके नॉलेज के लिए आपको ये याद होनी चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं हम, नाउन नंबर सिंगुलर और प्लूरल। नाउन नंबर सिंगुलर और प्लूरल, ये है सिंगुलर नाउन, एक इससे एक व्यक्ति एक स्थान एक वस्तु का बोध होता है, जैसे बॉय गर्ल टेबल, इससे हम एक व्यक्ति एक वस्तु या एक स्थान का ही पता लगा सकते हैं। प्लूरल नाउन, इससे हम एक से अधिक का पता लगा सकते हैं। ये तो आपको पता होगा रूल वन, कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। रूल टू, जिन नाउन के अंत में एस 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 सी एच एस एच जड या एक्स आता है उन्हें प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है, जैसे बस बसेज, फोक्स फोक्सेज, वॉच वॉचेज, स्विच स्विचेज, एस एसेज, कैनवास कैनवासेज, फिक्स फिक्सेज, क्लास क्लासेज, चर्च चर्चेज, क्विज क्विजेज। ये है आगे, टैक्स टैक्सेज, डिच डिश डिशेज, बॉक्स बॉक्सेज, कोच कोचेज। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, स्टोमक स्टोमक्स, लोकस लोकी, रेडियस रेडियाई, ओक्स ऑक्सन। रूल थ्री है, कुछ नाउन के अंत में
ओ आता है उससे पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई करते हैं, ई एस लगाते हैं, जैसे हीरो हीरोज, पोटैटो पोटैटोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, मैंगो मैंगोज, कार्गो कार्गोज, इको इकोज। इसके भी कुछ एक्सप्रेशन हैं जैसे डायनमो डायनमोस, इसमें एस लगा है ई एस नहीं लगा है, मेमेंटो मेमेंटोस, रेशियो रेशियोज, पियानो पियानोज, सोलो सोलोज, फोटोज फोटोज। आ गया समझ में? रूल फोर है, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वोवल लगे हुए हैं तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस लगा दिया जाता है, जैसे बी बीज, जू जूज, वोय वोयज, ट्री ट्रीज, रेशियो रेडियो रेडियोज, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोज। रूल फाइव है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई और वाई से पूर्व कोई कंसोनेंट हो तो उसकी वाई को वाई की जगह आई ई एस लगा देते हैं, जैसे क्राई क्राइज, कंट्री कंट्रीज, फैमिली फैमिलीज, पोनी पोनीज, सिटीज सिटीज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, लॉरी लॉरीज, रिप्लाई रिप्लाइज। समझ में आ गया? रूल सिक्स है, यदि नाउन के अंत में वाई आए, वाई से पूर्व कोई वोवल आया तो एस लगेगा, प्लूरल बन जाता है, जैसे की कीज, रे रेज, वे वेज, टॉय टॉयज। ये आपको याद ही होंगे, ज़्यादा मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा इनको और आगे भी बच रहे हैं। स्टोरी स्टोरीज, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, बिलीफ बिलीफ्स, क्लिफ क्लिफ्स, ये आपको पढ़ लेने हैं, टर्फ टर्फ, चीफ चीफ्स, डार्फ डार्फ, गल्फ गल्फ्स, रूफ रूफ्स, स्कार्फ स्कार्फ्स, ब्रीफ ब्रीफ्स। कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द के साथ एस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है। कोई कंपाउंड नाउन है यानी जो दो नाउन से मिलके बना है, उसके मुख्य नाउन से पहले हम एस लगाते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ, बेडरूम बेडरूम्स, कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ, स्टेप डॉटर स्टेप डॉटर्स, मेड सर्वेंट मेड सर्वेंट्स, पीहन पीहेंस, पिकॉक पिकॉक्स, मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 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 का पार्लियामेंट ही रहेगा, मैन हेटर मैन हेटर्स, वुमेन लवर्स मैन लवर्स मैन लवर्स। आगे समझ में? ये है रूल सेवन रह गया था, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आई तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं, जैसे काफ काउज, वाइफ वाइव्स, वोल्फ वोल्व्स, लीफ लीव्स, सेल्फ सेल्व्स, हाफ हाल्स, थीफ थीव्स, लाइफ लाइव्स, नाइफ नाइव्स, लोफ लोव्स। ये रूल नाइन है, निम्न नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल इन के लिए इनसाइड वोवल में परिवर्तित करना पड़ता है, जैसे मैन का प्लूरल होता है मैन, मीन बोलते हैं बोलते नहीं है मैन ही होता है ये, फुट फीट, माउस माउस माइस, गूज गीज, वुमेन वुमेन, टूथ टिथ, लूज लाइस, ओएसिस ओएसिस। इन शब्दों के बीच में वो हुआ है परिवर्तन। आगे बढ़ते निम्नलिखित नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम ईएन जोड़ते हैं, जैसे चाइल्ड चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्सन। ये पढ़ते हैं रूल 11, कुछ नाउन के दो तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है, ब्रदर का प्लूरल दो बनते हैं, ब्रदर्स सन ऑफ सेम पेरेंट्स, ब्रदरन मेंबर ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी और रिलीजियस ग्रुप। क्लोथ के प्लूरल दो बनते हैं, क्लोथ्स अनस्टिच क्लोथ क्लोथ्स स्टिच क्लोथ्स, डाई डाई डाइज, स्टैम्प्स यूज फॉर प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग और डाइस स्मॉल क्यूब्स यूज इन गेम्स, इंडेक्स इंडेक्सेस टेबल ऑफ कंटेंट्स इन ए बुक और इंडेसेस साइन यूज्ड इन अलजेब्रा। सम टिपिकल प्लूरल नाउन नंबर, ये आपको ध्यान रखने हैं, लैटिन वर्ड, लैटिन के कुछ शब्द के अंत में यूएम आता है, एकवचन होते हैं, इन्हें प्लूरल बनाने के लिए यूएम हटाकर ए लगाया जाता है, जैसे डटम डाटा, ओवम ओवा, एजेंडम एजेंडा, डिक्टम। ये आप बैकग्राउंड साउंड पर नोटिस ना करें, आप बस ये पढ़ते रहें, डिक्टम डिक्टा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, स्ट्रेटम स्ट्रेटा। ये भी है, लेटिन के निम्न शब्दों पर ध्यान दें, इनके पीछे यूएम आता है लेकिन प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया जाता है, जैसे असलिम असाइलम असाइलम्स, म्यूजियम म्यूजियम्स, प्रीमियम प्रीमियम्स, फोरम फोरम्स, पेंडुलम पेंडुलम्स। कुछ लेटिन वर्ड के अंत में यूएस आता है, इन प्लूरल बनाने के लिए यूएम्स को हटाकर आई में बनाया जाता है, जैसे रेडियस रेडियाई, सिलेबस सिलेबाई।
कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में इज आता है, इनका प्रयोग इज को हटाकर ईएस लगाया जाता है। एनालिसिस एनालाइजिस, क्राइसिस क्राइसिस, हिपोथेसिस हिपोथेसिस, बेसिस बेसिस, थीसिस थीसिस। कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ओन आता है, इनका प्रयोग इनको प्लूरल बनाने के लिए ओन को ए में बदलते हैं, जैसे फिनोमिनन फिनोमिना, क्राइटेरियन क्राइटेरिया। ई है, अन्य कई नाउन के प्लूरल निम्न प्रकार के बनते हैं, सिंगुलर प्लूरल ये देख ले, इफ इफ्स, फाइव फाइव्स, बी ए बी एज, बट बट्स, टेंस टेंस, एम ए एम एज, आई आईज, पीज पीज, ए टी एम्स ए टी एम्स, टी टीज, एम पी एम पीज, यू पी सी यू पी सी। आ गया समझ में? ये थोड़ा फास्ट था पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार दोहरा लेना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म के अर्थ पूर्णतः अलग होते हैं, अतः इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे एयर, एयर का मतलब हवा होता है, एयर्स यानी दिखावटी व्यवहार। रिटर्न मतलब वापसी होता है, रिटर्न्स मतलब आय का हिसाब। आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब जंजीरें। सैंड मतलब रेत, सैंड्स मतलब रेगिस्तान। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। अब्यूज़ मतलब दुरुपयोग, अब्यूज़ मतलब कुरूतियाँ। गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान। वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र। वर्क काम, वर्क साहित्य लेख, फ्रूट फल जैसे सेब इत्यादि फ्रूट्स, नतीजा मेहनत इत्यादि का। विट वाक्पटुता, विट्स बुद्धिमता। अब आपके सामने है, इनके साथ एस लगते ही इनके मीनिंग में कितना चेंजमेंट आ गया है। आगे भी रूल है, कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक ही अर्थ होता है परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक। कस्टम रिवाज, कस्टम्स रिवाज। मैनर तरीका, मैनर्स तरीके। पेन दर्द, पेन्स दर्द। क्वार्टर एक चौथाई, क्वार्टर्स एक चौथाई। लेटर अक्षर चिट्ठी, लेटर्स अक्षर चिट्ठी। आगे बढ़ते हैं। नाउन अपोस्ट्रोफी, ये अपोस्ट्रोफी के बारे में बताया जाएगा। अपोस्ट्रोफी का प्रयोग पॉजिटिव केस में निम्न स्थिति में करना उचित है, जैसे जीवित वस्तु, मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जीवित वस्तु के लिए, मोहन्स बुक, काउज होरन, वुमेन्स पर्स, पर्स नहीं सॉरी पर्स। जब किसी निर्जीव का मानवीकरण, यानी जो कोई निर्जीव है उसका पर्सनिफिकेशन किया जाए, जैसे सन्स फ्यूरी नेचर्स लव, इसका हमने मानवीकरण यानी पर्सनिफिकेशन कर दिया, तब इससे पहले हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। समय भार एवं जगह संबंधित नाउन के साथ, ए डे लिव्स, आर्म्स लेंथ, ए पाउंड वेट। कुछ सम्मानजनक नाउन के साथ, कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटीज कॉल। कुछ फ्रेजेस के साथ, एट वंस वी टेंड्स, मतलब इस फ्रेजेस का मतलब होता है चकित होना। एट ए स्टोन थ्रो, मतलब थोड़ी दूरी पर। भौगोलिक पिंड के साथ, जैसे अर्थ एटमोसफेयर, सन्स एटमोसफेयर, सन के तो एटमोसफेयर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते, केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, जैसे बॉयज कॉलेज, अब अपोस्ट्रोफी का यूज किया, इसके बाद एस का यूज नहीं किया। गर्ल्स स्कूल, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, अब वुमेन के पहले एस नहीं था इसलिए इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया। जब नाउन सिस्कार ध्वनि से खत्म हो तो एस नहीं लगता, जैसे पीस, अब पीस है तो एस नहीं लगाएंगे, ये पहले से ऐसे खत्म हो रहा है। कंसाइंस से ऐसे खत्म हो रहा है। गुडनेस जीसस, आप इसको बोल के देखिए फिर आपको पता लगेगा। गणेश गोड्स शेक। पॉजिटिव प्रोनाउन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन दिए गए हैं, हिज हर्स योर्स आवर्स देयर्स, के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, नहीं अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, एस लगाते हैं, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, हिज हिज फेथफुली, हिज ट्रूली, ऐसे इनके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, सिर्फ एस लगाते हैं। निम्न टाइटल के साथ अपोस्ट्रोफी अंतिम शब्द के साथ ही लगाते हैं, ये जो नीचे टाइटल दिए गए हैं इनके साथ अंतिम शब्द के साथ लगाते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, माय सन इन लॉज सिस्टर। निर्जीव वस्तु के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, जो निर्जीव वस्तु है इनके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे टेबल्स लैग नहीं आएगा, लैग ऑफ टेबल। डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये पक्का एग्जाम में आता है, डबल अपोस्ट्रोफी लगा के दे देता है और आपसे एरर पूछता है,
तो आपको याद रखना है कि डबल अपोस्ट्रोफी कभी नहीं आएगा। जैसे इसमें दे रखा है माय वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, ये गलत लिख रखा है। इसमें आएगा द मदर ऑफ माय वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। आ गया समझ में। मिसेस शर्मा द सोसाइटीज चेयरमैन प्रोपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब ये गलत है क्योंकि इसमें डबल अपोस्ट्रोफी है। इसकी जगह सही आएगा द प्रोपोजल ऑफ मिसेस शर्मा द चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी वॉज रिजेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। समझ में आ गया। थोड़ा सा और बचा है इसमें। एनीबडी नोबडी एवरीबडी समबडी एनीवन समवन नोवन एवरीवन के साथ एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनके साथ हम एस का प्रयोग किया जा सकता है सॉरी इनके साथ एस का प्रयोग किया जा सकता है। एवरीवन्स कंसर्न इज नोवन्स कंसर्न, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। इनके बाद एल्स का प्रयोग हो तो अपोस्ट्रोफी के साथ भी एल्स लगाते हैं, यानी जैसे एवरीवन्स के बाद अगर एल्स है तो एल्स के साथ एस लगेगा, एवरीवन के साथ हट जाएगा। जैसे आई कैन रेले ऑन योर वर्ड्स नोट समबडी एल्सिस। अब इसके बाद एस लगा है आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्सिस। यहाँ समबडी एल्सिस और नोबडी एल्सिस लिखना गलत होगा क्योंकि एल्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अभी भी ख़त्म हो गई। कल आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास आएगी, आप इसको ज़रूर देखना। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से बहुत उत्साह बढ़ता है। आज हमने नाउन चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, अब आप कभी गलती नहीं करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।